और इधर नए सांसदों का दिल्ली के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर निर्धारित स्थानों पर स्वागत किया जा रहा है। लोकसभा सचिवालय के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर निर्मित स्वागत केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। नवनिर्वाचित सांसदों का देश की राजधानी दिल्ली में आना शुरू हो गया है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों के स्वागत के लिए लोकसभा सचिवालय ने खासतौर पर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर खास व्यवस्था की है, उनके लिए स्वागत केंद्र बनाए हैं। आप यहां देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर खास तौर पर लोकसभा सचिवालय ने एक केंद्र स्थापित किया गया है। ये स्वागत केंद्र है जहां पर जो भी नए सांसद चुनकर आ रहे हैं, जो 18वीं लोकसभा के पुनः जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके लिए भी सहायता के लिए विशेष तौर पर यहां पर स्थापित किया गया है केंद्र, ताकि जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, जो सांसद हैं, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खासतौर पर ऐसे सांसद जो पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था से लेकर उनकी कार की व्यवस्था भी लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई है। खासतौर पर कुछ नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो उनकी सहायता करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। जितने भी सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 18वीं लोकसभा में, उनके लिए खासतौर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज दिल्ली। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।